لبيك يا حسين 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 शॉर्ट में तिल्ला जनबिया का मतलब क्या है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुख्सत के लिए आए थे, रुख्सत होने के बाद इस मुकाम पर जब शिबन मलून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहा था, इसी मुकाम पे इमाम जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम खड़ी थी। और जहां तिल्ला जनबिया है, यानी आप तारीख में सुनती हैं कि ऊंचे मुकाम से जनाब ज़ैनब ने इसलिए कि शिमर जो है उनके माजाए को ज़िबह कर रहा था और जनाब ज़ैनब आवाज दे रही थी, ए मेरे भैया ए शिमर मेरे माजाए को ज़िबह ना कर। तारीख में यह है कि जनाब ज़ैनब तलाश करती हुई अपने भाई को आई तो वो शिमर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब को देखा और कहे ए ज़ैनब खैमे में चले जाओ, इसलिए के बाद वो मंजर आने वाला है कि तुम देख नहीं पाओगी। लेकिन जनाब ज़ैनब उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा शिमर हमें जरा नशेब की तरफ ले जाओ, नशेब की तरफ खींचता हुआ इमाम हुसैन को ले गया। कैसे खींच के लेके गया, अरे बालों में हाथ पकड़ा इमाम हुसैन को कहते हुए नशेब की तरफ ले गया। इधर जनाब ज़ैनब ने कहा ए जमीन तो तुराब है, मैं अबू तुराब की बेटी हूँ। जनाब जलजला आया, अब जब देखा जनाब ज़ैनब ने कहा है लेकिन आजादार बिल्कुल मेरी माँ बहनों सामने जो जगह है मौला की कतलगाह है, यहीं से 70 कदम के फासले से जनाब ज़ैनब ने अपने भाई को ज़िबह होते हुए देखा था। आवाज दे रही थी ए शिमर मेरे भाई को ज़िबह ना कर। लेकिन अदादारों मालूम है पहला खंजर चला, हुसैन ने आवाज दी अम्मा तेरा माजा यहाँ ज़िबह हो रहा है। दूसरे खंजर पे आवाज दी बाबा ज़िबह हो रहा है। तीसरे खंजर पे कहा नाना ज़िबह। उसके बाद जब भी खंजर चला हुसैन आवाज दी अब्बास ए गाजी अब्बास आ कर दे तेरा बाजा ज़िबह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बना कर बना के लिए पारवाना तमन्ना है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के तमाम ज़ायरीन के हाथ। हम उस मुकाम पे हैं जिस मुकाम को ख़याम अहले हरम कहते हैं, ख़याम अहले बैत कहते हैं, ख़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। अदाकारों ज़रा सा ज़ायरीन उस चीज़ को गौर करें कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दो मुहर्रम को पहुँचे थे तो दो मुहर्रम को आने के बाद इमाम हुसैन का घोड़ा रुक गया, कई घोड़े बदले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में खैमा लगाया, उस बाद खैमा को मुंतकिल किया गया कि यही वो मुकाम है कि ये जो आपके यहाँ से अंदर से दाखिला हुआ यहाँ पे मौला अब्बास का खैमा था, आपने अंदर में ज़्यारत की वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा, भाई के पीछे सिद जनाब पीछे जनाब ज़ैनब का खैमा, उसके पीछे इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम का खैमा, फिर दाहिनी जाने आप जाके जहाँ दोहे का नमाज आपने अदा की वहाँ जनाब नौशाए जनाब कासिम का खैमा, और उसके आस पास जो खैमे थे कहीं उम्मे लैला का खैमा था, कहीं जनाब उम्मे रबाब का खैमा था, कहीं जनाब उम्मुल बनीन का, कहीं जनाब लैला का खैमा था, कहीं जनाब रबाब का खैमा था, कहीं जनाब और ये जो दीवारें देख रहे हैं ना दीवार के बाहर जो है असहाब के खैमे थे। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा गौर करिएगा कि यहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी रुख्सत ली थी। रुख्सत लेने के बाद चंद कदम आगे वो जगह थी जहाँ जनाब सकीना ने जाके अपने बाबा को रुख्सत किया था। यादादार यही वो मकाम था जहाँ हुसैन लाशें उठा उठा के लाते थे, यही एक खैमा था जहाँ कभी अली अकबर का लाशा लाया,
कहीं जनाब अली असगर के, कभी जनाब आने मोहम्मद के लाशें लेके आए, कभी जाने जनाब कासिम के टुकड़े चुन चुन के लाए। आजादारो यही वो मकाम है कि जिस मकाम पर आँख में खैमे जला दिए गए, शाम करीमा का वक्त आया। आजादारो यही मकाम पे खैमा था जिस खैमे में तमाम लाशें ला के रखे जाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर के खैमे में अली अकबर के लाशें को लेके आए। अली अकबर को लाशें को लाना था कि हुसैन लाशें के करीब बैठ गए, जनाब सकीना दौड़ी हुई आई, ए बाबा मेरा अकबर भी बाहर आ गया, ए मेरा बाबा मेरा अकबर बाहर आ गया, हाँ अकबर बाहर आ गया। उसके बाद हुसैन सर झुकाए बैठे हुए थे, पूछा सकीना क्या तेरी ज़ैनब को खबर नहीं है मेरा अकबर बाहर आ गया है? तब फूफी अम्मा वो खैमे के पीछे छुप छुप के देख रही है। आई जनाब सकीना ने जनाब ज़ैनब के बाजू को पकड़ा, फूफी अम्मा मेरा भैया आ गया है। अजादारों बर्दाश्त कर पाओगी मेरी माँ बहनों, जनाबे जैनब ने जुमला कहा, मैं भी चाहती हूँ कि अकबर से मिलूं, लेकिन क्या करूँ, एक ज़ईफ लाशे के पास बैठा है, न जाने कौन है वो चला जाए। जनाबे सकीना ने कहा, बूबी अम्मा मेरा बाबा है और कोई नहीं है। अजादारों यही वही जगह थी जहाँ जनाब इमाम जनाब अली अकबर के खैमे में, उसके बाद तारीख में बताती है उम्मे लैला नजर नहीं आ रही हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ये उम्मे लैला कहाँ पर है? जाके जनाब जनाब ने देखा, यही एक खैमा उम्मे लैला खा था, कभी इधर दीवार में टकरा खा रही है, कभी इधर दीवार में टकरा रही है। जनाब जनाब ने बाजू पकड़ा, भाभी जान अरे अकबर आ गया है। अकबर की आवाज़ ने मेरे आंखों से रोशनी छीन ली है। जनाब फिजा ने एक तरफ से बाजू को पकड़ा, एक तरफ से जनाब जनाब लेके आई, आके लाशे पर बैठ गई उम्मे लैला। उम्मे लैला बैठने के बाद कहा, थोड़ी देर के लिए खैमे से बाहर चले जाइए, ये शहजादी थोड़ी देर के लिए खैमे से बाहर चले, ये मेरा अकबर है ना, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा। इसने माता के दिल पुकार अजादारो खैमे में बैठ गए। जनाबे सकीना इसी जगह मुकाम था, जनाबे सकीना खैमे में एक कोने में चुपचाप खड़ी है। अजादारो जैनब चली गई खैमे से और मौला हुसैन चले गए, सभी चले गए, लेकिन जनाबे जैनब सकीना खड़ी है। क्या देखा, उम्मे लैला ने अली अकबर के कलेजे से खून निकाला और निकाल के अपने सरों में लगाना शुरू किया। सकीना दौड़ी हुई गई, ए बाबा अम्मा ये अंजाम दे रही है, आपके जनाबे जैनब के पास लोगों को पकड़ा, ए लैला ये क्या कर रही हो? काए जैनब मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा अकबर दूल्हा बने, सर में खजाब मैं मन्नत बढ़ा रही हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। رب تعالیٰ بے حقی محمد و آل محمد اس مقام پاک کے سب کے ہم سب کے جملہ گناہ دے صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، رب تعالیٰ بے حقی محمد و آل محمد ہماری زغاری رضاری پہ شرف قبولی عنایت فرما، رب تعالیٰ بے حقی محمد و آل محمد جن مومنین مومنات دے دماء سے دعا کا کہا ان کی دعاوں کو پورا فرما، رب تعالیٰ تمام مومنین مومنات جو حاجات دے کے تو پورا فرما، رب تعالیٰ اگر ہمارے اس کروان میں کوئی مریض نہ چکائے کلی عنایت فرما، رب تعالیٰ اگر کوئی مومنہ بے اولاد اس مقام یمین پاک کے صدقے اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے مارا مال فرما، رب تعالیٰ جنہیں اولاد دے رکھی ہیں انہیں ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو اہل بیت عنایت فرما، رب تعالیٰ بحق محمد و آل محمد المومنین مومنات کو جزائے خیر عنایت فرما، رب تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہندوستان پاکستان میں جتنے مشتاق زواری امام حسین علیہ السلام
सब चल कर सब सवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा मोहम्मद मोहम्मद हम सब मरूमात की बख्शिश फरमा हम सब को माँ से पहले तो नसीब फरमा उचते बरक इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के नूर पाक में ताजील फरमा اللهم اجل لوليك الفرج والعافيه والنصر دعائي بعد زمانا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذي الصات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد وأجل فرجهم जाहिद भाई जनाब जनाब सलाम के तमाम जारीन और जारात के साथ ये हम खादिम परवेज अब्बास रिजवी और सैयद मेहरी साहब जाब जावेद साहब पूरे कारवान के साथ पूरे माशाल्लाह से खूब सुकून के साथ बेहतरीन होटल बेहतरीन ज्यारतें ज्यारत में कोई प्रॉब्लम नहीं हर जगह का खाना वगैरह सारी चीज़ें मैंने बहुत सहूलत के साथ बहुत इत्मीनान के साथ सारी ज्यारतों के साथ आज पहुंचकर परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार ने वो मौका फराहम किया कि बेहतरीन ज्यारतों के साथ आज हम यहाँ वापस आए हैं। पूरी ज्यारतें मैंने कोई भी ज्यारत ऐसी नहीं है जो मदायन हो सामर्रा हो आपको शरीफा बिन हसन हो सैयद मोहम्मद बलद हो काजमैन यानी चश्मे हसन कोई ऐसी ज्यारत ऐसी नहीं जो ज्यारत छूटी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तमन्ना ज़ैनब की तरफ से अब तक कितने काफिले गए? 30 लोग थे 30 लोग थे जी। कहाँ कहाँ पर जाके? ईरान इराक ईरान और इराक की तमाम ज्यारतें इंशाल्लाह आशूरा उसके बाद अरबईन बरकात हो। कारवाने तमन्नाए ज़ैनब से मैं ज़ारतों को जाके आज आ चुका हूँ सरजमीन हैदराबाद पर। 16 मई को हम लोग गए हैं और आज आए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का। बहुत बेहतरीन ज़ारतें हुए हैं नजफ करबला मशहद सब जगह गए सामरा और काजमैन हम मदायन हम मेरे वालदा और वालिद गुजर चुके हैं वो लोग दूसरे काफिले से गए हैं मगर ऐसा काफिला आज तक मैंने नहीं देखा है। बहुत अच्छा और ताउन खाना होटल 5 स्टार के होटल के जैसा है बहुत बेहतरीन ज्यारता है कोई ज्यारत नहीं छुटी है। अल्लाह का परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है। हर चीज से हर छोटी ज्यारत से बड़ी ज्यारत पूरे ज्यारता हुए हैं हमारे। हम लोग क्या कारवाने तमन्नाए ज़ैनब से हैदराबाद हम हैदराबाद से हैं। आपके काफिले के अलावा दोनों हैं जावेद भाई परवेज भाई बहुत अच्छा ताउन किए हैं बहुत अच्छी सर्विस है। मैं 200% बोल सकता हूं जो भी जारीन जाना चाहते हैं कारवाना तमन्नाए ज़ैनब से जाइए बहुत अच्छा ताउन है बहुत अच्छी सर्विस है खाना रहना और जारते बहुत बेहतरीन है परवरदिगार का करम है मौला का सदका है। मेरा नाम मिर्जा जकी अली खान है। रहमान रहीम मैं कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह से जावेद हमने जो नजफ़ में जो होटल लिए हैं बिल्कुल सिस्तानी साहब के पास शायर रसूल पे बिल्कुल रोज़े के करीब बस 10 कदम निकलते ही रोज़ा है। उसके बाद हम काजमैन में गए तो अबू तालिब लिए अबू तालिब होटल ऐसा रोज़े में 10 कदम रखते वैसे ही
करबला में हम डीके थी हमारी होटल, जैसे ही हम होटल से निकले 10 कदम पे रोजा मौला बस का, उसके बाद फिर हम कुंभ में गए, कुंभ में हम अटलस होटल लिए, वो भी ऐसे जैसा रोड क्रॉस होते ही हमारे को मास मकूम सलामुल्लाह अलैह का रोजा। उसके बाद फिर वापस हम मशहद आए, मशहद में भी हमारी जो होटल थी अयान होटल थी, जो थ्री स्टार थी, पूरे होटल थ्री स्टार थे, अयान होटल भी बिल्कुल खरीब, बस रोड क्रॉस होते फिर मौला रजा का रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह कारवान पूरा अच्छा रहा, पूरे जितने जायरीन थे बहुत अच्छे रहे, खासकर हम जुल्फ़िकार भाई का, जकी का और शब्बीर का, सज्जाद भाई का और हमारे अंसार भाई का, इन सब का बहुत शुक्रगुजार है। इन्होंने जब भी जरूरत पड़ी कारवान को कुछ सामान इधर से उधर करने की, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। हम इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये 22 दिन का टूर था, ईरान और इराक को गए और हम नजाफ करबला तो ये छोड़िए, हमने हिल्ला के पूरे जाते कही है, जैसे मुकाम इब्राहिम को कोई नहीं जाता, बकर बिन अली को कोई नहीं जाता और शरीफा बिनते हसन को तो खैर ले लेके जाते लोग, लेकिन जैद बिन अली को नहीं लेके जाते, मदाइन को कोई नहीं लेके जाते, हम हर जगह लेके जाते हैं इजरात को, आइनुल हसन वगैरह पूरी इजारत कम्प्लीट करें इंशाल्लाह। हमारा जैसे हमारे सालत सैयद परवेज अब्बास साहब ने कहा है कि आशुरा और अरबैन का इंशाल्लाह, ये 30 आदमी पे था ये हम लोग का, 16 मई को हम लोग 15 मई की शाम में यहाँ से निकले और आज हम वापस आए हैं।